हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड में जो है, इससे पहले जब बीआरसी का जब स्किल टेस्ट हुआ था तो उस स्किल टेस्ट में जो है क्या क्या पूछा गया था, टाइम कितना दिया गया था, क्या क्या ऑपरेशन करने को बोला गया था, किस टाइप से जॉब दिया गया था, तो सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। जितने भी डाउट आपके माइंड में आते हैं सारे डाउट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, वन बाय वन करके जो हम आपको बताएंगे कि बीआरसी में जो पिछले बार स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया था, एनपीसीएल में क्या पूछा गया था, डीआरडीओ में क्या पूछा गया था, और हैवी वाटर बोर्ड जो है उसमें जो स्किल टेस्ट के टाइम में जो टर्नर और मशीनिस्ट बच्चों के साथ जो है किस किस टाइप से जॉब वहाँ पर बनवाया गया, तो सारा डिटेल्स हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। डिपेंड ये करता है कि जो आप इस वीडियो को जो कितना शेयर करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कितना करते हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसका जो स्किल टेस्ट हुआ था बीआरसी का, तो इससे पहले जो एक साल दो साल जो 20 में जो हुआ था उसमें किस टाइप से जॉब वहाँ पर देखने को मिला था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो है इससे पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो है अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या फिर वाट एवर जिस स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं और कमेंट करते हैं कि सर जो है हमें इस स्टेट के रिगार्डिंग जो है स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया था तो उस स्टेट के बारे में बताइए, तो इसीलिए जो है हमने जो वीडियो हम लोग आज बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लड़के कमेंट किए थे सर जो टर्नर ट्रेड में जो है टर्नर ट्रेड में क्या पूछा गया था स्किल टेस्ट में, है ना। उसके बाद बहुत से लड़के ये पूछे थे कि सर वेल्डिंग जो वेल्डर ट्रेड जो है उसमें क्या पूछा गया था, तो इससे पहले जो हमने वेल्डर ट्रेड के बारे में वीडियो अपलोड कर दी है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टर्नर और जो मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं उनमें जो है क्या क्या स्किल टेस्ट पूछा गया था। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा कि एग्ज़ाम सेंटर जो आपको एग्ज़ाम सेंटर जो यहाँ पर है वहाँ पे कैसे पहुँचना है, इसके लिए एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, उस वीडियो को एक बार जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पे जो है उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली से जो बहुत ही आसानी तरीके से जो है इस जो आपका स्किल टेस्ट का जो सेंटर दिया गया है इस सेंटर तक आप पहुँच सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप से जो वहाँ पर देखने को मिला था, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो क्या 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 ऑपरेशन आपको करके जाना है, है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, और इसके जो है लेकर जहाँ डॉक्यूमेंट इसका जो स्टार्टिंग से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेकर स्किल टेस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो प्लीज़ जो है आप हमें इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये जो आपका जो है पिछले बार ये 2019-20 में जब स्किल टेस्ट हुआ था बीआरसी का, तो उस टाइम जो है इस टाइप का जॉब यहाँ पर देखने को मिला था, है ना। तो हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन कराया गया था, और जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या कौन कौन सा पॉइंट जो है आपको याद में रखना है, क्या ऐसा गलती है जो कि गलती नहीं करना है, टूल को कैसे सेट करना है, है ना, क्या कैसे सावधानी जो सावधानी बरतना है, और क्या क्या अगर आप स्किल टेस्ट अटेंड कर रहे हैं तो क्या क्या जो है आपको स्किल करके जाना है, क्या क्या सीख के जाना है, है ना, वो तमाम जो बातें हैं सारे बातों को हम लोग वन बाई वन करके जानेंगे। तो प्लीज़ जो है हमारे इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिए, है ना। चलिए, तो जैसा कि आप इसमें देख सकते होंगे कि ये सारा जो जॉब आपको देखने को मिला था डीटू जो है एक लड़का ने हमें सेंड किया है, है ना। तो जो है ऐसा जॉब वहाँ पर देखने को मिला था, इसमें जो है कम से कम 5-6 ऑपरेशन करने को बोला गया था। पहला ऑपरेशन जो है क्या क्या था आपका जो है इसमें जो है आपका टेपर टर्निंग करने को बोला गया था, है ना, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, है ना, उसके बाद थ्रेडिंग, उसके बाद जो है चैम्फरिंग, उसके बाद जो ग्रूविंग इत्यादि जो है ऑपरेशन इस जॉब में करने को बोला गया था। और इस जॉब करने को साथ साथ जो है आपका 2 से 2.5 घंटे या प्रोसम कहे कि 3 घंटे का जो इसमें टाइम आपको दिया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जानेंगे कि एनपीसीएल में जो है क्या क्या जो है ऑपरेशन करने को बोला गया था, कि थ्रेडिंग करने को बोला गया था, क्या बोला गया था, हैवी वाटर बोर्ड में क्या गया था, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कैसा लिखना रहता है, वो तमाम बातें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो जॉब आपको दिया गया था, इस जॉब में जो है आपको यहाँ पे ये जो जॉब है इसमें जो है आपको दिया गया था कितना, ये जो आपका 30 डाया का जो है राउंड सिलेंडर जॉब था, है ना, इसमें आपको चैम्फरिंग करना था, है ना, सबसे पहले जो यहाँ पे इसको चैम्फरिंग करना था, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे थ्रेडिंग भी करना था, है ना, उसके बाद ये ऐसा जो है ये जॉब आपका है इस टाइप से है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं ऐसा है, है ना, ये यहाँ से इस टाइप से है, ऐसा चैम्फरिंग करने को बोला गया था। तो आप यहाँ पे क्या ऑपरेशन, इस यहाँ पे थ्रेडिंग भी करना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला ऑपरेशन क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला ऑपरेशन जो है यहाँ पे
चैम्फरिंग है ना, ये फेसिंग है जो प्लेन टर्निंग है, यहाँ पे ग्रूविंग है, यहाँ पे टेपर टर्निंग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे स्टेप टर्निंग भी है ना, यहाँ पे भी चैम्फरिंग करना है और किस कितने डिग्री में चैम्फरिंग करना है, क्या क्या टूल मेंटेन करना है, वो सारा बातें हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे जो है 12 TPI का जो है आपको थ्रेडिंग करना था है ना, तो तमाम इस टाइप से जो है इसका पूरा डायमेंशन आप देख सकते हैं, इस टाइप से डायमेंशन करने को बोला गया था। तो क्या क्या सावधानी बरतना है, सबसे पहले अगर आप जब लेथ मशीन में जब जा रहे हैं है ना, लेथ मशीन में जब जा रहे हैं, सपोज ये हमारा जो चक है, ये चक है, इसमें आपको जब जॉब को क्लेम कर रहे हैं तो इसमें जो है इसमें से लगभग कितना 50 मैन बाहर रखना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑपरेशन करना है। और जिस जो है आप जिस टाइप का जो टूल यूज कर रहे हैं, अगर थ्रेडिंग कर रहे हैं, चैम्फरिंग कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अकॉर्डिंग जो है टूल पोस्ट में जो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टूल पोस्ट में जो जो टूल है आपका कटिंग टूल उसको सेट करके जाना है ना, दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है माउंट द टूल एंड सेंटर हाइट प्रॉपरली, जितने भी जो सपोज इसको अगर हम मान के चलिए हम लोग का चक है, इसमें जॉब है ना, ये इसमें जॉब बांधा हुआ था, इसका जो सेंटर हाइट है उसमें जो है आपको सही तरीके से जो है आपको जो सेट जो सेंटर हाइट में इसको प्रॉपरली सेट करके रखना है, जिससे कि जो है आपका जो पीप है, जो फॉल्ट आते हैं, जो डिफिकल्ट आते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सेंटर हाइट जो सेंटर में जो है इसको हाइट प्रॉपरली सेट करना है, उसके बाद जिस एंगल में अगर आपको अगर मान के चलिए चैम्फरिंग करना है तो 45 डिग्री में जो इसको सेट करने आना चाहिए आपको है ना, उसके बाद जो है कितना जो चैम्फरिंग जो है लेंथ है उसको जो वर्नियर कैलिपर से चेक करना है, जब आप जॉब को सबमिट करें तो जो भी मेजरमेंट आप किए हैं, जो भी ऑपरेशन की उसको मेजर करके जाना है ना। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आप जॉब बांध रहे हैं, या तो आपको जो जॉब वहाँ पे क्लेम किया हुआ रहेगा लेथ मशीन में, आपको जॉब दे दिया जाएगा, जॉब के साथ साथ जो है आपको वहाँ पे क्लेम करके रख दिया जाएगा, फिर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि क्या क्या ऑपरेशन करना है, या तो आपको जो समझना होगा कि जैसा इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया रहेगा इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि क्या क्या उसमें ऑपरेशन करना है, और उसी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको वहाँ पे सेट जो है जो भी टूल है उसको सेट करना होगा। और जो अगर जितने भी है क्या डिपेंड करता है कि जिस टाइप का मटेरियल है, जिस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग जो है RPM जो है स्पिंडल का सेट करना होगा है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं, अगर आप ज़्यादा रखेंगे कम रखेंगे तो ये थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए जो सेट द करेक्ट RPM इन स्पिंडल है ना, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या करना है, जिस टाइप का कोई ऑपरेशन करना है उसके अकॉर्डिंग जो है टूल को वहाँ पे लगाना है ना, चैम्फरिंग करना है चैम्फरिंग टूल लगाना है, अगर ग्रूविंग करना है तो ग्रूविंग टाइप से, अगर थ्रेडिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशन करने को कहेगा उसको वहाँ पे सेट करना है, दिक्कत तो नहीं। उसके बाद जो क्या क्या पॉइंट आपको रखना है, रिमेंबर द पॉइंट क्या है कि जो है सेट द रेडियस टूल प्रॉपर्ली टू अवॉइड चैटरिंग मार्क्स है ना, जो भी टूल्स हैं उसको जो है प्रॉपर्ली वहाँ पे इसमें सेट करके रखना, इससे नहीं कि अगर जो ज़्यादा अगर बाहर रखते हैं तो वो डाउन भी हो सकता है, लूज भी हो सकता है, इससे जो भी आपका जो जॉब है उसको करेक्टली जो है उसको चैटिंग से इफेक्ट करने के लिए जो है आपको वहाँ पे प्रॉपरली उसको बांधना है ना, प्लस जो है उसके बाद जो भी अगर हैंड फीड दे रहे हैं तो हैंड फीड शुड बी यूनिफॉर्म टू ऑब्टेन गुड सरफेस है ना फिनिश वर्क के लिए, ऐसा नहीं कि कम बेसी तो जो आपका जो ये लाइनिंग होगा ये वो सही से फिनिशिंग नहीं हो पाएगा, उसमें लाइनिंग आ जाएगा तो वो जो है सही फिनिशिंग नहीं होता है। तो ये जो है आपको जो कुछ कुछ जो पॉइंट है ये सारे पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है, और कोई भी ऐसा गलती है जो नहीं करना है ना, मिनिमम से मिनिमम गलती आप जो भी गलती करते हैं अगर अभी तक आपने ITM प्रैक्टिस नहीं करे तो उस ITM में जाके जो है आपको प्रैक्टिस करना है ना, ये क्या क्या ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें है ना, इस टाइप से जो आपको बनाना है ITM जाके है ना, यहाँ पर चैम्फरिंग करना है, टेपर टर्निंग करना है, थ्रेडिंग करना है, जितने भी ऑपरेशन आते हैं सारे ऑपरेशन को एक बार जाके जो है आपको ITM में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो है ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है तो आपको हो ही जाएगा, ऐसा अपने माइंड में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो है कभी कई बार ऐसे देखा भी गया है जो भी वैकेंसी आती है जो भी पोस्ट आती है अगर स्किल टेस्ट में अगर बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो जो वैकेंसी है वो कितने चला जाता है, वो बैकलॉग में चला जाता है ना। तो ऐसा गलती नहीं करना कि जो है हमारा मार्क्स अगर बढ़िया है तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, है ना, ये आपका जो सोच है गलत है, इसको इम्प्रूव करना है और डिपेंड करना है कि जो भी आप स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें कम से कम गलती हो, गलती ना के बराबर हो, दिक्कत तो नहीं है। ये सारा रहा आपका स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग के क्या क्या आपको करके जाना है ना, जहाँ जब भी आप जा रहे हैं तो अभी से ही आप प्रैक्टिस में कीजिए, जितना सही तरीके से आप फिनिशिंग कर पाएंगे, जितना सही तरीके से डायमेंशन कर पाएंगे, जितना जो है आप एक्यूरेटली बना पाएंगे वो आपके लिए डिपेंड रहेगा। उसके बाद जो भी अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो उसको मेजर भी करना है कि कितना जो हमने अगर 6 mm का अगर हमने ग्रूविंग किया है तो उसको जो है आपको मेजर करके जाना है।
है ना, जितना भी दिया जाएगा बाइनरी कैलिपर से मेजरिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये चेक करना कि यहाँ पे यू ग्रुपिंग तो नहीं दिया है ना, दिक्कत तो नहीं। इस टाइप जो भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, जब आप जॉब को कंप्लीट करते हो तो जॉब को सबमिट करने से पहले जो है आपको जो है क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपका जॉब बन गया और आप जॉब सबमिट कर दिए, ऐसा कतई गलती नहीं करना, क्योंकि हमने अभी ऐसे बहुत सारे गलती किए हैं जिसका जो भुगत क्या होता है कि जिसका जो हर्जना होता है कि उस स्किल टेस्ट में हमारा नाम नहीं आता है ना। तो ऐसा गलती नहीं करना। जब भी आप जॉब सबमिट करते हैं तो जॉब को सबमिट करने से पहले जो है आप जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, बाहर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर, जेनिक कैलिपर, जिसके द्वारा भी आपको जो है स्टील के द्वारा जो भी आपको सुविधा लगता है उसके अकॉर्डिंग जो आपको वहाँ पे मेजर कर लेना है ना। उसके बाद जो है आपको जॉब को सबमिट करना है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है कहीं कहीं जो आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी लिखवाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन लिख के बताइए, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए है ना। इसके रिलेटेड जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होते हैं एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि जो है किस तरीके से जो है आपको इसके टेस्ट लिखना है और इसको इससे जो है जिसे जो कि है आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, स्किल टेस्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं और आपका जो नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ सकता है, दिक्कत नहीं। ये तो रहा आपका स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अगर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि सर BRC के बाद क्या पूछा गया था, और NPCL के बारे में भी आप वीडियो बनाए कि NPCL में जब हुआ था टर्नर और मशीनिस्ट का, तो उसमें किस टाइप का जो देखा गया था, क्या क्या बनाने को बोला गया था, कितने का जो है डाया था है ना, टाइम कितना गया था, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब आप स्किल टेस्ट अटेंड करने जाओगे तो स्किल टेस्ट अटेंड करने के टाइम क्या होता है, हम तो पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार बताते हैं। जब स्किल टेस्ट अटेंड करने जाओगे तो उसमें क्या है कि जो है आपका एक फॉर्म दिया जाएगा, जब एंट्री करोगे तो एक रूम में बैठाया जाएगा, उसमें इंजीटर रहेंगे 2-3-4 रहेंगे, उसके बाद जो आपको एक रूम में बैठा दिया जाएगा और 1 by 1 करके जो आपको बुलाया जाएगा। जो बैठाने से पहले आपको जो है यहाँ पे जो है आप लड़कों को बैठा दिया जाता है ना, यहाँ पे सर रहेंगे, उसके बाद जो है आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें जो आपको जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेड, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं है ना, या फिर अगर अदर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अदर क्वालिफिकेशन भी भर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ साथ एक जेरोक्स को भी करके जाना है। जेरोक्स करने के साथ साथ जो है आपका सेल्फ जो है आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद जो आपको इजिली से स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बहुत से लड़के के जो माइंड में डाउट आ रहा है कि सर हमारे SCBT से तो हम क्या करें और जो NCBT से क्या करें, अगर आप इस बीच में अगर SCBT से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप NCBT से हैं तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करने का हो सकता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर है इसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।